सीबीआई ने सबूत के तौर पर मोबाइल जब्त किया है। वारदात के दिन जब्त फोन से आरोपी घोष ने कई लोगों से बात की थी। तो देखिए, संदीप घोष जो है लगातार रडार पर बने हुए हैं, अलग अलग तरीकों से पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई भी देखने को मिली। इसके अलावा कई ऐसे ठिकाने थे जिस पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। फिलहाल सीबीआई ने जो है संदीप घोष का मोबाइल जब्त कर लिया है। मोबाइल ये बरामद किया गया है और इस मोबाइल को अब खंगाला जा रहा है। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद केस की पूरी तस्वीर सामने आने वाली है। हैवानियत का पूरा सच उजागर होने वाला है। सीबीआई के रडार पर जितने भी किरदार हैं सभी से सच जानने की कवायद हो रही है। लेकिन कोलकाता कांड में सबसे ज्यादा मामला सरकार की फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सीबीआई आरोपी संजय रॉय से राज उकलवाने में जुटी हुई है। इस बीच कातिल संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया। पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने यूटर्न लिया। आरोपी संजय घोष ने दावा किया कि उसे फंसाया गया है, जबकि पहले उसने कहा था कि उसने ही अपराध किया है और उसे इसके लिए फांसी मिलनी चाहिए। हैवानियत की राह, हर राज से होगा खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट से गुनाहगारों की बनेगी लिस्ट। ममता सरकार के पापों का होगा पर्दाफाश। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में पूरा सच सामने आने वाला है। आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट से हर राज का होगा खुलासा। कोलकाता कांड की हैवानियत जान पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी आहत हैं और देश की बेटियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पांच लोगों की कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुकी है। सवालों की फेहरिस्त लेकर आरोपियों से सच उगलवाने की कवायद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा शैतानी सच तो आरोपी संजय रॉय उगल रहा है। संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई के कई सवालों में उलझा होगा और सच जरूर उगला होगा। वैसे सवाल जो संजय रॉय से पूछे गए होंगे, जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होने वाला है। जैसे कि वारदात वाले दिन वो हॉस्पिटल में था, क्या उसने पीड़िता का रेप किया, क्या उसने पीड़िता का कत्ल किया, क्या पीड़िता को पहले से वो जानता था, क्या कत्ल में उसके साथ कोई और भी शामिल था। संजय रॉय अपनी हर हैवानियत का हिसाब दे रहा है। भले ही वो कोर्ट में खुद को बेकसूर बता रहा हो, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसकी शैतानी कुंडली सबके सामने है। दो बार रेड लाइट एरिया गया था, सड़क पर छेड़खानी भी की थी, एक महिला को फोन किया था, महिला से बदतमीजी भी की थी, एक लड़की से न्यूड फोटो मांगा था, शराब के नशे में वो धुत था और मर्डर से पहले ऑपरेशन थिएटर में वो झांका था। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में ममता सरकार का स्टैंड काफी कमजोर नजर आ रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को फटकार मिल चुकी है। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है और आरजीकर अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस केस की अहम कड़ी बन चुका है। तभी सीबीआई के शिकंजे में है। उसके ऊपर आरोप है कि 9 अगस्त सुबह 7 बजे उसके पास फोन गया था। घंटों तक सेमिनार हॉल में लाश पड़ी रही, लेकिन घोष मीटिंग करता रहा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप उसके ऊपर लगे। वहीं जब संदीप घोष की कुंडली खंगाली गई तो लोगों के होश उड़ गए। संदीप जरायम की दुनिया का बहुत बड़ा कांडी डॉक्टर निकला। उसके ऊपर आरोप है कि आरोपी संजय रॉय से उसकी नजदीकी है। मानव अंगों के तस्करी के धंधे का आरोप है। लाश बेचने का वो धंधा करता है। परीक्षा पास कराने के लिए पैसे लेता है। खास लोगों को ही टेंडर दिया करता है। जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता करता है। लंबे शिफ्ट कराने के भी उसके ऊपर आरोप हैं और भारी भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। वहीं आरोपी संदीप घोष की ममता सरकार से नजदीकी किस कदर की है, इसके रसूख को जानकर समझा जा सकता है। जैसे कि 2021 में वो आरजी कर का प्रिंसिपल बना था, लेकिन 2023 में संदीप घोष का तबादला हुआ। मात्र 24 घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर बदल दिया गया और फिर से वो प्रिंसिपल बन गया। दूसरी बार फिर उसका तबादला हुआ, लेकिन मात्र महीने भर में कॉलेज में उसकी वापसी हो गई। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में हैवानियत और दरिंदगी देख पूरा देश गुस्से से भरा है। वहीं ममता सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक सरकार रेप एंड मर्डर मामले में किसी आरोपी को कैसे बचा सकता है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। तो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।